हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प पर। तो दोस्तों, एनबीएस के एग्जाम को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। क्या है वो अपडेट, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैंने अपने आपके कहने पर एनटीए को दोबारा से कॉल किया और एनटीए के जो वहां पर कर्मचारी, उन्होंने क्या जवाब दिया है, चलिए मैं आपको इस वीडियो में ऑफिशियली बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको यहाँ पर लाइव रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, ठीक है। मैंने आज की डेट में मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, टाइमिंग दिखा देता हूँ, 17 तारीख 5:38 शाम पर कॉल किया था। मैं आपको यहाँ पर दिखा दी कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको दिख रहा होगा, आपने देख लिया होगा कि मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको रिकॉर्डिंग इसमें सुनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं साइलेंट हो जाता हूँ, इसको आपकी रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ कि क्या कुछ उन्होंने बोला, फिर हम आपके चीजों को लेकर बात करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आपका स्वागत है। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, हिंदी के लिए 2 दबाएं। नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1 दबाएं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के लिए 2 दबाएं। कॉमन यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस टेस्ट के लिए 1 दबाएं। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन के लिए 2 दबाएं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी के लिए 3 दबाएं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पीजी के लिए 4 दबाएं। यूजीसी नेट के लिए 5 दबाएं। अन्य सभी परीक्षाओं के लिए 6 दबाएं। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 7 दबाएं। जी गुड इवनिंग एंटी, हम आपका स्वागत है, आपके साथ जी बताइए क्या करिए। मैंने एक्चुअली मैंने नवोदय का काम फिल किया था मार्च में, नवोदय बचाया एमबीएस में जीएसए के लिए जी। तो मार्च अप्रैल में फॉर्म फिल हुए थे सर, तो अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम देती नहीं है। जल्दी आ जाएगा, थोड़ा वेट करना होगा। कितना सर, अभी काफी समय अवेलेबल है, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट का नोटिफिकेशन निकला, उसका एग्जाम पहले दे रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी। मैंने उनको इंसिस्ट भी किया कि बताइए प्लीज, है ना। मैंने उनसे बहुत जोर देकर बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, तैयारी नहीं हो पा रही है, काफी समय हो चुका है, 1 साल के करीबन हो चुका है, तो आप प्लीज बताइए। तो फिर उन्होंने एक दो बार बोला भी कि बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द आप निश्चित रहिए, बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, एक दो बार उन्होंने ये बोला। यानी कि मैंने जो इससे पहले वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि हाईकोर्ट का एग्जाम, मैंने उनको ये वो चीज बोली कि गुजरात हाईकोर्ट का एग्जाम इसके बाद फॉर्म निकला उससे पहले हो रहा है, तो बोले कि आप निश्चित रहिए कि बहुत जल्द होने वाला है आपका एग्जाम। तो यानी कि अक्टूबर के मंथ में आपका कौन सा चलने वाला है, गुजरात हाईकोर्ट का, तो नवंबर के मंथ में डेफिनेटली यहाँ पर आपको एनबीएस का एग्जाम देखने को मिलेगा, नहीं तो एग्जाम डेट तो इसकी जरूर देखने को मिल जाएगी। यानी कि अगले मंथ नवंबर के मंथ में आपको रेडी रहना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे तो लग जाइए। मैंने दोबारा से आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई कि उन्होंने क्या बोला था कि बहुत जल्द आने वाला है, पर वो कमिटमेंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, बट उनको कहीं ना कहीं इंटरनली मना किया गया हो कि आप डेट मत बताइएगा, हो सकता है उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इतना बोला था 2-3 बार कि बहुत जल्द होने वाले, बहुत जल्द होने वाले, बहुत जल्दी होने वाले, ठीक है। तो निश्चित रहिए कि गुजरात हाईकोर्ट का जैसे फिनिश होता मामला, उसके बाद आपका जो नंबर है वो लगने वाला है। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, आपके सारे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा आपके लिए ये एक वीडियो बना दूं और कॉल करके मैंने आपको ये वीडियो बना दिया, ठीक है। इस पर आपकी क्या राय है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं क्लासेस कंटिन्यू कर दूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मेरे सेकंड वाले चैनल पर आपके अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा, इवन नहीं भी भरा है, तो आपके एनबीएस में जो स्ट्रेटेजी का पार्ट है वो आप वहां से कवर कर सकते हैं, डेली सीरीज चल रही है, ठीक है। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, जाके देख लेना, ठीक है। और जिन्होंने भी आपका टेस्ट के पास परचेस नहीं किए थे, पास परचेस कर लेना, भी ऑफर चला, मेरा कूपन कोड V1NW47 डाल दोगे तो वहां पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो, वीडियो चला लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।